सीधे आपको लखनऊ लिए चलते हैं। विधान भवन के सामने आयोजित किया गया कार्यक्रम जहां पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का शिलान्यास करने और ये परिणाम दिखाई नहीं देंगे आपको, ये परिणाम दिखाई देंगे 6 महीने और 1 साल के बाद, जब बहुत सारे लोगों की नौकरियां छूट जाएंगी, बहुत सारे लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, तब इसका परिणाम दिखाई देगा। इस मौके पर जहां पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का शिलान्यास हो रहा है, कम से कम समाजवादी लोग जो कह देते हैं वो करके दिखाते हैं। इसे आने वाले समय में भी एक्सप्रेसवे बने, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद सबसे ज्यादा लाभ अगर किसी को होने जा रहा है तो वो हमारे गांव में रहने वाले लोग और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, क्योंकि इसके आसपास अगर मंडी बनाने में हम लोग कामयाब हो गए तो सीधे सीधे किसानों को जोड़ने का काम करेंगे। इसलिए एक्सप्रेसवे ये बड़े लोगों के लिए नहीं बन रहा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बना है तो उसके किनारे हम लोग मंडी बना रहे हैं, फलों की मंडी बनाई है, दूध के उत्पादन के लिए इंतजाम किया है, अनाज के लिए मंडी बनाई है। इसी तरह ये आने वाले समय में जब पूर्वांचल की तरफ जाएगा तो उधर भी मंडी बनाने का काम करेंगे, सीधा सीधा किसानों को जोड़ने का काम करेंगे। इस मौके पर मैं अपने तमाम साथियों को बधाई देता हूं कि देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे अगर कहीं होगा तो उत्तर प्रदेश में होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आए हुए सभी मंत्री लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आए हुए समाजवादी साथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब हम मुख्य सचिव श्री राहुल भटनागर जी से लखनऊ से सीधी तस्वीरें आपके सामने, जहां पर समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया। आपको बता दें विधान भवन के सामने कार्यक्रम आयोजित किया गया है जहां पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कार्यक्रम में मौजूद हैं, और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा